गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12। क्लास 12 में पिछले वीडियो में आपने जो है ग्रिफिथ का प्रयोग पढ़ा था, ठीक। आज हम आपको बताएंगे न्यूक्लिक अम्ल, कि न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, ठीक। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूक्लिक अम्ल। देखिए, सबसे पहली बात कि अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है कि न्यूक्लिक अम्ल क्या है, तो हम लोग बता देते हैं डीएनए आरएनए, ठीक। देखिए, डीएनए और आरएनए जो होता है, सबसे पहली बात तो गलत जवाब होता है। न्यूक्लिक अम्ल खुद में एक परिभाषा है, न्यूक्लिक अम्ल की खुद की एक परिभाषा है, ना कि डीएनए आरएनए। हाँ, डीएनए आरएनए न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार होते हैं। जैसे आपसे पूछा गया न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, तब हम बताएंगे कि डीएनए होता है और आरएनए होता है। जबकि न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल खुद की एक परिभाषा होती है। न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं वो कई चीजों से मिलकर बने होते हैं, ठीक। तो ये कह सकते हैं कि जो डीएनए आरएनए होते हैं वो न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार होते हैं। तो क्या होता है न्यूक्लिक अम्ल प्रकार, आप देख रहे हैं कि ये पूरा न्यूक्लिक अम्ल लिखा हुआ है, इसमें आपको कंपटीशन के सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे न्यूक्लिक अम्ल से संबंधित, ठीक। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको कहीं भी देख लेना, पूरे YouTube पर सर्च कर लेना कि क्या ऐसा कहीं पर न्यूक्लिक अम्ल बताया गया है, क्या इतना डीपली से न्यूक्लिक अम्ल बताया गया है, आप उसको पूरा सर्च कर सकते हैं। देखते हैं न्यूक्लिक अम्ल। देखिए, न्यूक्लिक अम्ल जो ये है, हमको ये इतना याद ही नहीं करना है, और हमको केवल अगर इतना पता हो, अगर हमें केवल इतना पता हो तो हमें न्यूक्लिक अम्ल पूरा लिख डालेंगे, हम लोग पूरा न्यूक्लिक अम्ल लिख डालेंगे, ठीक। क्या होता है, देखिए, जो ये है हमारा न्यूक्लिक अम्ल, ठीक। न्यूक्लिक अम्ल बना किससे होता है, देखिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले अगर इसको समझ लिया तो वो हमें याद ही नहीं करना पड़ेगा। न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो काहे से मिलकर बना होता है, पॉली न्यूक्लियोटाइड, जैसे पॉली और ये न्यूक्लियोटाइड, मतलब जो न्यूक्लियोटाइड होंगे जो वो पॉली, पॉली माने क्या होता है, बहुत बहुत ढेर सारे सीरीज के रूप में। तो जो पॉली न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे, पॉली न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ेंगे तब बनता है एक न्यूक्लिक अम्ल। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, ठीक, तो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, तो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक अम्ल से होता है, ठीक। फास्फोरिक अम्ल और न्यूक्लियोसाइड आपस में जब मिलते हैं तब एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। अगर आपसे पूछा जाए न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, तो जब शर्करा और नाइट्रोजन बेस आपस में मिलते हैं तब बनता है न्यूक्लियोसाइड। तो देखिए, न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक अम्ल मिला तो बना न्यूक्लियोटाइड, जब बहुत से पॉलीन्यूक्लियोटाइड मिले तब बना न्यूक्लिक अम्ल। तो इस प्रकार से हमारा न्यूक्लिक अम्ल बन जाता है। बस हमको यहीं पर यही बताना है कि न्यूक्लिक अम्ल, तो न्यूक्लिक अम्ल एक लंबी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के रूप में सभी युद्धारी कोशिकाओं में पाया जाता है। हम आपको बता ही चुके हैं कि न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होती है, एक पूरी सीरीज होती है। तो वही चीज तो यहां पर लिखी हुई है कि न्यूक्लिक अम्ल एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के रूप में सभी युद्धारी कोशिकाओं में पाया जाता है। देखिए कितना वो वहां पर हमारा न्यूक्लिक अम्ल खत्म हो गया। अब आता है न्यूक्लियोटाइड। अब क्या लिखेंगे, पहले तो हमने न्यूक्लिक अम्ल बता दिया कि न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, तो हम यहाँ पर समझा ही चुके आपको कि जब पॉलीन्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे तो न्यूक्लिक अम्ल बनेगा, एक सीरीज के रूप में होंगे पूरे। अब आता है अगला प्रश्न कि न्यूक्लियोटाइड क्या है, तो न्यूक्लियोटाइड क्या है, देखिए आप इसमें बताइए न्यूक्लियोटाइड क्या है, कि न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक अम्ल जब आपस में मिलते हैं तब एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। या कहें न्यूक्लियोसाइड में क्या शामिल है, शर्करा नाइट्रोजन बेस, या तो हम कहें कि जब ये तीनों मिलते हैं तब एक न्यूक्लियोटाइड बनता है, ठीक। इन दोनों को मिलाकर न्यूक्लियोसाइड बना, और न्यूक्लियोसाइड फास्फोरिक अम्ल से मिलकर न्यूक्लियोटाइड बना दिया, ठीक। तो इस प्रकार से, वैसे तो पहले तो इसका जो फॉर्मेशन होता है वो न्यूक्लियोसाइड होता है, लेकिन जो न्यूक्लियोटाइड होता है, होते तो इसमें तीनों चीजें हैं भाई, ये दोनों चीजें मिलकर एक चीज बना डाले, ठीक। तो ये तीनों चीजें मिलकर बनाते तो न्यूक्लियोटाइड ही है, ठीक। तो वही है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या है, ये न्यूक्लिक अम्लों की इकाइयां होती है। हम बता ही चुके हैं न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लिक अम्ल की इकाई, मतलब एक न्यूक्लियोटाइड होता है जब उसकी बहुत सी इकाइयां आपस में मिलती हैं तब बनता है न्यूक्लिक अम्ल। तो वही लिखा हुआ है, ये न्यूक्लिक अम्लों की इकाइयां होती हैं। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड तीन यौगिकों, कौन कौन से यौगिक, नाइट्रोजन बेस, ये एक पेंटोस शर्करा, ये शर्करा कौन सी होती है, पेंटोस शर्करा,
देखिए पेंटोस शर्करा होती है, पेंटोस शर्करा मतलब क्या होता है, इसमें पांच कार्बन होते हैं, पेंटोस मान पेंटा माने क्या होता है पांच, तो इसमें पांच कार्बन होते हैं इसलिए शर्करा हो गई कौन सी, पेंटोस शर्करा। ठीक, तो पेंटोस शर्करा तथा एक फास्फोरिक अम्ल, तो देखिए एक नाइट्रोजन बेस, एक शर्करा और एक फास्फोरिक अम्ल, ये तीनों मिलकर क्या होते हैं, तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। ठीक, के संयोजन से बनता है, तो हम जान गए न्यूक्लियोटाइड कहां से बनता है, तो न्यूक्लियोटाइड तीन चीजों से मिलकर बनता है, कौन से, नाइट्रोजन बेस, एक पेंटोस शर्करा और एक फास्फोरिक अम्ल, जब ये तीनों चीज का संयोजन होता है तो हमारा क्या बनता है, एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। देखिए हम सब कुछ इसी से बता रहे हैं, अगर ये आपको तैयार है तो समझ लीजिए आपको पढ़ना ही नहीं है, पूरा का पूरा हम इससे लिखते जाएंगे। ठीक, आप देखिए संयोजन बता, डीएनए में उपस्थित शर्करा, जो डीएनए में डीएनए होता है, डीएनए में कौन शर्करा होती है, डीऑक्सीराइबो शर्करा होती है। अगर आपसे पूछा जाए डीऑक्सीराइबो शर्करा का सूत्र क्या होता है, तो C5H10O4, क्या होता है C5H10O4, जबकि आरएनए में उपस्थित शर्करा कौन शर्करा होती है, राइबो शर्करा, इसका सूत्र क्या होता है, C5H10O5 होती है। कंपटीशन में पूछा जा सकता है कि आरएनए में पाई जाने वाले शर्करा का सूत्र क्या होता है, तो C5H10O5, और जबकि डीएनए में कौन पाई जाती है, यहां पर O4 है, यहां पर 5 है। ठीक, तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियोटाइड। तो देखिए न्यूक्लियोटाइड हमारा हो गया, न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना होता है, नाइट्रोजन बेस शर्करा फास्फोरिक अम्ल, हम अपनी भाषा में लिखेंगे फास्फोरिक अम्ल शर्करा और नाइट्रोजन शर्करा, कौन सी होती है, पेंटोस शर्करा। ठीक, तो ये तीन चीजों से मिलकर न्यूक्लियोटाइड बना होता है, और जो इसमें शर्करा होती है तो उसमें डीएनए में कौन शर्करा होती है, डीऑक्सीराइबो शर्करा, आरएनए में कौन शर्करा होती है, राइबो शर्करा। डीऑक्सीराइबो शर्करा का फार्मूला C5H10O4 और राइबो शर्करा का फार्मूला C5H10O5 ठीक होता है। ये हो गया हमारा न्यूक्लियोटाइड। अब देखिए हमारा न्यूक्लिक अम्ल खत्म, न्यूक्लियोटाइड खत्म, अब आते हैं इस पर। तो सबसे पहले आता है नाइट्रोजन बेस, कि नाइट्रोजन बेस क्या होता है, तो ये नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं, मतलब ये ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन होता है, जो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। हमको ये भी याद नहीं करना, यहां पर आ जाते हैं, देखिए ये देखिए आप नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस कितने होते हैं दिखाई दे रहा होगा, एक और दो, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन कौन कौन से, प्यूरिन में दो प्रकार के होते हैं, एडनीन और गुआनीन। देखिए ए, इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, ए, और इसको क्या लिखते हैं, जी, तो एडनीन गुआनीन, तो दो प्रकार के होते हैं। पिरिमिडिन, पिरिमिडिन में क्या होता है, तीन प्रकार के होते हैं, थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल। देखिए यूरेसिल जो होता है वो आरएनए में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, आरएनए में पाया जाता है, और किसके स्थान पर पाया जाता है, टी के स्थान पर, क्योंकि आरएनए में थायमिन नहीं होता है, आरएनए में क्या नहीं होता है, आरएनए में थायमिन नहीं होता है, और क्या पाया जाता है उसमें, उसमें यूरेसिल पाया जाता है, आरएनए में यूरेसिल होगा और डीएनए में थायमिन होगा, और डीएनए में यूरेसिल नहीं होता है। ठीक, तो ये नाइट्रोजन बेस है, नाइट्रोजन बेस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, प्यूरिन, पिरिमिडिन। प्यूरिन में नाइट्रोजन बेस कितने प्रकार के होते हैं, एडनीन और गुआनिन। पिरिमिडिन में कितने होते हैं, थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। तो देखिए जो प्यूरिन होता है, प्यूरिन में दो वलय होते हैं, प्यूरिन में कितना वलय होता है, तो दो वलय होते हैं, वलय कितने होते हैं, दो, और ये तीनों में कितने वलय होते हैं, इन तीनों में होते हैं वलय एक, कितना होता है, वलय एक होता है। अब ये वलय क्या होता है, वलय क्या होता है, ठीक, इसका हम नाइट्रोजन बेस में जब आपको हम प्यूरिन और पिरिमिडिन में अंतर बताएंगे तब हम आपको इसकी स्ट्रक्चर बताएंगे। जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि एडनीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, एडनीन नाइट्रोजन बेस का स्ट्रक्चर कैसे होता है, थायमिन का क्या होता है स्ट्रक्चर, तो जब स्ट्रक्चर हम अभी आपको इसमें नहीं बता सकते हैं, जब हम आपको प्यूरिन और पिरिमिडिन में अंतर बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में तब हम आपको इसकी स्ट्रक्चर भी बता देंगे। हम आपको यह भी बताएंगे कि कौन सा कार्बन और कौन सा नाइट्रोजन किस जो है किस पॉइंट पर जुड़ता है। ठीक, तो ये हमारा नाइट्रोजन बेस हो गया, बस वही हमने लिख दिया है यहाँ पर कि नाइट्रोजन बेस कार्बनिक यौगिक होते हैं, कैसे, नाइट्रोजन युक्त, दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन तथा पिरिमिडिन। पिरिमिडिन क्षारकों में कार्बन नाइट्रोजन से बने एक वलय, कितना वलय होता है पिरिमिडिन में, एक वलय होता है, काहे का होता है, कार्बन और नाइट्रोजन का बना, काहे का होता है, कार्बन और नाइट्रोजन का वलय होता है। ठीक, जबकि थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल इनमें जो तीन चीजें आती हैं, पिरिमिडिन में क्या आता है, थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल आते हैं। ठीक, और प्यूरिन जो आता है, प्यूरिन में कार्बन नाइट्रोजन के कितने वलय होते हैं, दो वलय होते हैं, देखिए यहां पर लिखा हुआ है दो वलय होते हैं,
तो उसमें कौन कौन नाइट्रोजन बेस आते हैं, एडनिन और गुआनिन आता है, आपका नाइट्रोजन बेस भी खत्म हो गया। देखिए सब कुछ हम इसी से लिख रहे हैं नाइट्रोजन बेस, अब यहां पर जगह नहीं बची थी इसलिए हमने नाइट्रोजन बेस यहां पर बता दिया था। ठीक, अब आता है फास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल क्या होता है, तो यह मुख्यतः ऑर्थो फास्फोरिक अम्ल होता है। आपसे पूछा जाएगा पेपर में, या पेपर में पूछा या कंपटीशन पूछा जा सकता है कि न्यूक्लिक अम्ल में पाया जाने वाला जो अम्ल होता है या फास्फोरिक अम्ल जो होता है, फास्फेट समूह जो जुड़ता है तो उसमें कौन सा अम्ल होता है, तो ऑर्थो फास्फोरिक अम्ल। इसका सूत्र क्या होता है, H3PO4 होता है तथा फास्फेट के रूप में पाया जाता है। तो जो भैया ये फास्फोरिक अम्ल होता है ये किस रूप में पाया जाता है, तो ये फास्फेट के रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है, फास्फेट के रूप में पाया जाता है न्यूक्लिक अम्लों की अम्लीय प्रकृति, क्योंकि ये अम्ल होता है। तो जो न्यूक्लिक अम्ल मतलब इसको अम्ल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको अम्ल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें फास्फोरिक अम्ल पाया जाता है। फास्फोरिक अम्ल में पाए जाने के कारण न्यूक्लिक अम्लों की अम्लीय प्रकृति होती है। यह पेंटोस शर्करा से फास्फोडाइस्टर बनता है। देखिए ये फास्फोरिक अम्ल, ये पेंटोस शर्करा, ये दोनों आपस में जुड़ते हैं, लेकिन किसके द्वारा जुड़ते हैं, तो एक बंध होता है फास्फोडाइस्टर बंध। किसके द्वारा पूछा जा सकता है आपको कि न्यूक्लिक अम्ल में फास्फोरिक अम्ल और शर्करा दोनों आपस में किसके द्वारा जुड़ते हैं, तो दोनों किसके द्वारा जुड़ते हैं, फास्फोडाइस्टर बंध के द्वारा जुड़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला आता है तीसरा, क्या बचा, न्यूक्लियोसाइड। ठीक, न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं, तो देखिए न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं, एक नाइट्रोजन बेस, देखिए ये नाइट्रोजन बेस है, नाइट्रोजन बेस और शर्करा दोनों मिलेंगे तब क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड बनेगा। तो एक नाइट्रोजन बेस तथा एक शर्करा का और एन ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट किसके द्वारा, एन ग्लाइकोसिडिक बंध। देखिए नाइट्रोजन बेस शर्करा से किस बंध द्वारा जुड़ेगा, एन ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा। ठीक, अब याद रखने की भी जरूरत नहीं क्योंकि नाइट्रोजन मतलब N, तो N ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़ेगा। फास्फोरिक अम्ल शर्करा से किस जुड़ेगा, फास्फेट मतलब F, मतलब फास्फोडाइस्टर बंध द्वारा। ठीक, तो N ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़कर न्यूक्लियोसाइड बनाता है, क्या बनाता है, न्यूक्लियोसाइड बनाता है। न्यूक्लिक अम्ल में पाए जाने वाले न्यूक्लियोसाइड, जो न्यूक्लियोसाइड होते हैं वो भी कई प्रकार के होते हैं, न्यूक्लियोसाइड भी कई प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और जो इसमें नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं उसी के नाम पर इन न्यूक्लियोसाइड का नाम होता है। जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि न्यूक्लियोसाइड कितने प्रकार के होते हैं, अभी देखिए न्यूक्लियोटाइड तो पता चल गया लेकिन न्यूक्लियोसाइड भी कितने प्रकार के होते हैं, तो देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो ये क्रमशः थायमीन होता है, तो थायमीन के नाम पर क्या हो गया, थायमिडीन, क्या हो गया, थायमिडीन। साइटोसिन होता है तो साइटिडीन, क्या होता है, साइटिडीन। यूरेसिन होता है तो क्या, यूरिडीन। ठीक, और एडिनोसिन तथा ग्वानोसिन, तो ये पांच प्रकार के आपके न्यूक्लियोसाइड होते हैं। आपसे पूछा है न्यूक्लियोसाइड कितने प्रकार के होते हैं, तो पांच प्रकार के होते हैं, कौन सा, थायमिडीन, साइटिडीन, यूरिडीन, एडिनोसिन तथा ग्वानिन, ये सब क्या होते हैं, आपके न्यूक्लियोसाइड होते हैं। तो आपने यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड जान लिया, न्यूक्लियोटाइड जान लिया, न्यूक्लिक अम्ल जान लिया, फास्फोरिक अम्ल जान लिया, शर्करा जान ली कि शर्करा क्या होती है, इसके सूत्र जान लिए, नाइट्रोजन बेस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कितने में कितने वलय होते हैं, तो ये आप यहाँ पर, आपको यहाँ पर पूरी जानकारी मिल गई। ठीक, तो ये था आपका न्यूक्लिक अम्ल। ठीक, उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, आप इसको लिखिए, नोट करिए, पढ़िए, समझिए, ठीक, रट्टा ना लगाइए। ठीक, तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।